सो हे गाइस, अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं वेफल। तो वेफल बनाने के लिए मैंने मंगाया था प्रेस्टीज का वेफल मेकर 1500 में ऑनलाइन। और अभी मैंने केक पाउडर से बैटर तैयार कर लिया। आप लोग मैदा से भी बना सकते हो, मैं केक पाउडर से बनाता हूँ क्योंकि वो इजी होता है बनाने में। तो मैंने चॉकलेट फ्लेवर और वनीला फ्लेवर बनाया हूँ, और आप लोग इसमें बटर डाल सकते हो, ऑप्शनल है बटर, तो आप लोग चाहो तो आप लोग डाल सकते हो। और मिल्क इसमें डालना है, मिल्क कितना डालिएगा थोड़ा कि मीन्स केक का जो बैटर होता है उससे थोड़ा स्मूथ इसे बनाना है, क्योंकि इसे हम लोग को इसमें पोर करना है इसलिए। और अभी मैं दोनों फ्लेवर को एक साथ डाल के ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा लुक आता है उसका। तो जब तक ग्रीन लाइट नहीं हो जाए हम लोग को इसे ऑफ नहीं करना है। तो अभी ग्रीन लाइट हो गया था तो मैं अभी इसे निकाल रहा हूँ हमारे वेफल मेकर से। और अभी ये देख सकते हो वेफल मेकर से हम लोग ने निकाल लिया, और देख सकते हो कितना सुंदर कलर आया है इसका अभी। और आप लोग इसमें टॉपिंग अपने मर्जी से डाल सकते हो, और मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ट्राई किया है, ये भी बहुत टेस्टी था, मगर चॉकलेट फ्लेवर। तो हेलो गाइस, मैं नमिता, आप लोग देख रहे हो। तो आप लोग को जैसे पता होगा कि मैंने वेफल मेकर मंगाया था, तो वेफल मेकर मंगाया था तो आज वो डिलीवर हो गया मेरे घर में। तो मैं आज वेफल बनाया हूँ खुद से। तो ये देख सकते हो जो मैंने ये यूज़ किया वेफल का फ्लेवर था वेनिला, उसके ऊपर मैंने वेनिला आइसक्रीम, और साथ में मिस मेरे पास क्रीम नहीं था अभी अवेलेबल, तो मैंने क्या किया मिल्क मेड जो आता है वो उसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया, और जो चॉकलेट सिरप आता है उसे, तो मैंने हर चीज का चॉकलेट सिरप यूज किया क्योंकि उसका टेस्ट मेरे को अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे को थोड़ा क्रंची टेस्ट पसंद है, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा ओरियो भी डाला और साथ में आइसक्रीम भी डाला कि थोड़ा ठंडा भी लगे खाने में। तो ये मैंने बनाया है, आप लोग देख सकते हो। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा वेफल कैसा बना।